हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो और नहीं किए तो इस वीडियो से कर लेना, क्योंकि अब की बार जो है 10th है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग वही देखने वाले हैं कि आखिर हमें क्लास 10th की जो पढ़ाई है वो कैसे स्टार्ट करना है, किस टाइप से हमें स्टार्ट करना है कि हम बेटर वे पे पहुंच पाए, बेटर एक अपने एम पर पहुंच पाए, बेटर टारगेट पर पहुंच पाए, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करने वाले, तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, जैसे कि फर्स्ट आपको रियलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको रियलाइजेशन की जरूरत है, क्या कि आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप 10th में आ गए हो। बहुत से बच्चों को एग्जाम तक पता नहीं चलता कि वो 10th में आ गए, कि वो नॉर्मल क्लास नहीं रह गया, कि हम घूमेंगे फिरेंगे 8वीं तक जो पढ़ेंगे नहीं फिर भी पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 10th जो है बोर्ड क्लास है, इस चीज को अपने आप में रियलाइज करना पड़ेगा भाई कि हाँ मैं बोर्ड क्लास में आ गया हूँ, वो भी शुरू से। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ रहा है तब आपको पता चला अरे बोर्ड क्लास है यार मुझे पहले से पता नहीं चला, ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या कर लेना है, रियलाइजेशन आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं, तभी आप अपनी स्कूल में टॉप कर पाओगे। अन्यथा भूल जाओ, कि अगर आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि आप 10th आ गए तो भूल जाओ फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते, चलो रियलाइज कर लिए कि हाँ मैं 10th में आ गया हूँ, आ गई हूँ, अब मुझे अच्छा करना है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वन क्या की जरूरत रहेगा, वो क्या है भैया, सेल्फ मोटिवेशन। जब तक ये सेल्फ मोटिवेशन रियलाइजेशन हो गया, चलो रियलाइज हुआ थोड़ी देर में वो खत्म हो गया, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपको सेल्फ मोटिवेट जो है हमेशा रहना है, कि ऐसा नहीं कि लाइट बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहाना से बचना है और सेल्फ मोटिवेट रहना है। मतलब हाँ मुझे इस बार करना है, मतलब करना है, चाहे मेरा तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, एनी हाउ मुझे टाइम निकाल के पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, अपने आप को प्रूफ करना है, मतलब करना है। एक ही बार तो 10th है, करते हैं कुछ दमदार। ये आपके अंदर जो है मोटिवेशन होनी चाहिए, तभी तो तब आप अपने अचीवमेंट अचीव कर पाओगे, तब आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो चलो ये तो चलो पता चल गया सेल्फ मोटिवेशन के बारे में, कि हमें सेल्फ मोटिवेट रहना है। फिर नेक्स्ट वन की बात करें, यहाँ पर हम मोटिवेट हो गए, फिर नेक्स्ट चीज की क्या की जरूरत होती है कि ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या की जरूरत होती है कि कितनी हमें रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। इस पर स्पेलिंग मिस्टेक है, हाउ मच स्टडी रिक्वायर्ड, कि कितनी आखिर पढ़ाई की जरूरत होती है 10th में आने के बाद। तो मैं आपको बता दूं, ये जानना बहुत से बच्चों के क्वेश्चन रहता है। कई बच्चे मुझे अभी तक पूछ चुके हैं भैया 10th में कितनी पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, कितना घंटा पढ़ना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है, ऐसा रूल नहीं बने कि 10वीं में आ गए तो आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं। बट एक चीज याद रखना, कम से कम आप मिनिमम अपने पावर को आप खुद जानते हो कि आपके पास कितना पावर। आप कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक घंटा में पढ़ के फोड़ देते हैं, कई बच्चे 10 घंटा भी पढ़ के डफ हो जाते। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितनी जरूरत, क्योंकि अपनी पावर को अपनी ताकत को आप जानते है ना। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि 10 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है मतलब पढ़ना है, इतनी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है यार, समझा करो। देखो इसमें क्या है कि आपको एक कम से कम एक मैं बोलता हूं 4 to 5 hours, कम से कम इतना 4 से 5 घंटा पढ़ लेते हो तो आप डेफिनेटली मैक्सिमम स्कोर कर सकते। बस शर्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4-5 घंटा जो है ना डेली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, हफ्ते भर गोल मार रहे, इधर गेम खेल रहे या कुछ और कर रहे, घूम रहे, फिर आपको बुखार आ रहा है, बहाना बन रहा है, अच्छा मूवी दे रहा है टीवी में, आज वे नया वेब सीरीज आ गया, ऐसे ना जाने कितने बहाना बन रहे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला भाई। भूल जाओ कि 10वीं आप पास कर पाओगे। अगर आपको अच्छा अचीव करना है तो ये 4 to 5 आप एक रूल बना लो कि मुझे इतनी करनी मतलब करनी है। अगर मैं 2 घंटा गेम खेल रहा हूँ तो 4 घंटा पढ़ूंगा मतलब पढ़ूंगा, ये रूल बनाओ, तब आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन की जो बात करते वो क्या है, चलो ये 4-5 घंटा आपको पढ़ना है ये तो पता चल गया, अब क्या कर लेते हैं, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बॉडी को एक हैबिट दिलाना पड़ता है, हमारी बॉडी का जैसा हैबिट रहता है, जैसे कि आपको अगर 7 बजे सोने का आदत बना लोगे तो डेफिनेटली आपको 7 बजे नींद आ जाएगा, हैबिट। तो उस हैबिट को बनाने के लिए आपको क्या की जरूरत पड़ेगा, एक टाइम टेबल। तो टाइम टेबल इतना बड़ा भयंकर सा मत बना देना भैया,
भयंकर सा बोलने का मतलब ये है कि अपने आप को पूरा झोंका डाल रहा है, इस टाइप से मत बना। एकदम कंफर्टेबल, आरामदायक, जिसमें ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि आपको इंटरटेनमेंट की भी जगह हो, पढ़ाई की भी जगह हो। और ऐसे टाइम का टाइम टेबल मत बनाओ जैसे कि सब बच्चे जिस टाइम खेल रहे हैं, जैसे कि स्कूल से आने के बाद तुरंत पढ़ाई, तो उन सब चीज़ों से बचो। क्योंकि अगर आप साइकिल वगैरह से चला के दूर से आ रहे हो तो इन चीज़ों से बचना सीखो। मतलब आप उस टाइम को टाइम टेबल बनाओ कि जिस टाइम सटीक पढ़ाई किया जा सकता है, सही मायने में पढ़ाई होती, जिस टाइम घर की माहौल एकदम शांत है, जिस टाइम आपका दिमाग घुसता है। आप ऐसे टाइम टेबल बनाओ कि आप नाइट जग सकते हो तो नाइट वाला बनाओ। कई बच्चे नाइट नहीं जग सकते, मॉर्निंग जल्दी उठते हैं, है ना, एकदम सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कंफर्टेबल टाइम टेबल बनाओ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए कोई टाइम टेबल पर वीडियो आए तो आप एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि सभी की अलग अलग स्कूल की टाइमिंग अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से हम एक वीडियो बना देंगे पर्टिकुलर टाइम टेबल, जिसमें सब फॉलो कर सकते हैं किस टाइप का होना चाहिए, उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो बस कमेंट कर देंगे कि किस चाहिए कि कैसे। फिर रेगुलर क्लासेस और नोट्स, ये देखो रेगुलर क्लासेस है वो आपको लेनी पड़ेगी कहीं से भी, ठीक है, या तो आप सेल्फ पढ़ो या कहीं से भी यूट्यूब की क्लासेस, किसी भी चैनल से वीडियोस देखो, कहीं से भी कोर्स परचेस कर सकते हो। जैसे कि हमने अभिप्सा ऐप पर कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, वहाँ से आप चाहो तो कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। कूपन कोड RPH10 अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। नोट्स, प्रॉपर एक नोट्स बना लो और उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में किसी स्कूल द्वारा बनाया गया नोट से पढ़ रहा है, फिर बीच में कोचिंग द्वारा बनाया गया नोट से पढ़ रहा है, फिर और बाद में आ रहा एग्जाम टाइम है तो हम परीक्षा बोझ सारे या ना जाने किस किस से पढ़ रहे हैं। तो इस टाइप से वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज़ को तुम अलग 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 क्यों करोगे? तुम अभी से करो ना, कोई किसी एक चीज़ को बनाओ पर्टिकुलर, अपना खुद का नोट बनाओ मेरे हिसाब से, या किसी एक चीज़ को अच्छे से कंप्लीटली फॉलो करो, डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा मार्क्स जो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स वगैरह तो बना लिए, कोई एक पर्टिकुलर फॉलो करना ये भी आपको समझ आ गया। अब जरूरत क्या है भैया आपको, कि आपको जो है इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, समझो आपका पूरा लुल हो जाएगा। वो प्रैक्टिस नहीं किए तो समझो आपका पूरा वो जीरो हो जाएगा, भूल जाओगे पूरी तरीके से। इसलिए इन चीज़ों को समझो कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जो चीज़ें पढ़ चुके हो कोशिश करो कि उसको 2-4 दिन में देखते रहो, ताकि वो जाना पहचाना सा लगे आपको, भूला भूला ऐसा ना लगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझे होंगे, और सभी चीज़ को डेफिनेटली जितने भी चीज़ें मैं बोला हूँ अगर उसको फॉलो करते हो तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स जरूर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस वो चीज़ होती है जो एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, जरूर करना इसको, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जितने भी क्लास 10th के हमारे बच्चे हैं सब तक ये वीडियो शेयर जरूर करना। और मैं भी एक चीज़ बता दूं कि पूरी वीडियो जो है आपके मैथ्स, साइंस, इंग्लिश ग्रामर की पूरी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज इस चैनल पर पड़ी है, वहां सब जा करके देख सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर, और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।